कांगड़ा जिले में पालमपुर के समीप भगोटला में आईटी पार्क की स्थापना के लिए करीब 580 कनाल भूमि का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने स्थान का निरीक्षण किया और कहा कि सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में सभी मूलभूत सुविधाएं जुटाकर देश विदेश की नामी आईटी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। आईटी पार्क के बनने से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो, जो इन्वेस्टर आ रहा है उसके लिए भी हम लोग भावना कर सकें। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो आज इसी कड़ी में ये रोपवे की जगह देखने आए थे। अभी अगले महीने जो 3-4 सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, मैंने आज ज़मीनें देख ली हैं, तहसीलदार साहब ने सब बता दिया, इन्होंने काफ़ी होमवर्क करके रखा है कि कहाँ से बन सकता है। तो आने वाले अगले 2-3 महीने में इन्वेस्टर्स आके ये लैंड्स देखेंगे और हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जहाँ पर इन्वेस्टर को ये ना लगे कोई वाइट कॉलर अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। देखिए, सरकार को हमने एक प्रपोजल भेजा है तो जब तक उनसे हम पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद रखते हैं और मुझे लगता है कि एक बार भारत सरकार से हमें कुछ फंडिंग आ पाए तो तभी मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। हम पहले ही इसके बारे में बोल दें, मगर हम सरकार के पैसे के अलावा हम अपनी ज़मीनों का निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ पर हम प्राइवेट कंपनीज़ को भी आके उनका आईटी सेटअप, हिंदुस्तान में अपार पोटेंशियल है, इन्फोसिस, टीसीएस, आपकी हर बड़ी कंपनी जो है आईटीसी, इन्फोटेक, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, ये हिंदुस्तान से ही आगे चलती हैं। तो हम अगर अपने लैंड बैंक्स आइडेंटिफाई करें जहाँ तक सड़क जाती हो तो हम इन इन्वेस्टर्स के पास भी जाएंगे। एक तो चलिए जो आपने भारत सरकार का कहा वहाँ से फंडिंग आ जाती है, मगर हम एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट ना रहें क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी जो यहाँ पे आके स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हमारे जो यहाँ पढ़ा लिखा वर्ग है उसे रोजगार प्रदान करें, तो सरकार उन्हें ज़मीन जो है वो देने के लिए तैयार है। इस बीच उन्होंने वटारका में रोपवे के लिए प्रस्तावित लैंडिंग साइट का भी निरीक्षण किया। रोपवे साइट के लिए लगभग 75 कनाल भूमि का चयन किया गया है।